जब भी आप छोटे शहर से बड़े शहर मूव करते हो तो आपको पता चलता है कितने बड़े चेंजेस हैं तुम्हारे शहर में उस शहर में। खास तौर पे मैंने देखा रिलेशनशिप के मामले में, भाई साहब बड़े शहर में बहुत ओपन होते हैं लोग। आप लोगों ने जैसे बताया ना आप कपल्स हो, छोटे शहर में नहीं बताते लोग। मैं खुद पार्क में 2 बार पकड़ा गया हूं। उन्होंने पूछा कौन है ये, बगल वाली को बहन बताया मैंने। झूठ मैं तब भी नहीं बोल रहा था। अब जिन लोगों को ये जोक समझ में नहीं आया, देयर आर सम हिडन बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए मुस्लिम। मेरी पहली गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, उसमें वो क्वालिटी थी जो मुझे हर लड़की में चाहिए होती, स्मार्ट बिल्कुल नहीं थी वो। टेंशन ही खत्म। मुझे उससे प्यार पता किस बात पे हुआ था, जब पहली बार उसको मूवी दिखाने लगा था और हॉल में घुसते ही बोली इतनी बड़ी टीवी। यही लड़की तो चाहिए। उसे फेमिनिज्म के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने चेक करा तो मैं फेमिनिज्म पता है, कितनी मुझे कैसे पता होगा, मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। सब पहला नशा बजा भाई बैकग्राउंड में। हम लोग मॉल गए थे, नया नया मॉल खुला था। तुमने कुछ लोग देखे जो फर्स्ट टाइम एस्केलेटर पे चढ़ने में डर रहे होते हैं, घबरा रही थी ये। तो मैं इसको समझा रहा हूँ कुछ नहीं होता, पर ये डर रही थी, पर बाकी लोगों को हमने जान दिया। इसके पता नहीं दिमाग में क्या आया, इसको अच्छा लगा, इसने कर दिया। ये इसके पास ना बैग था एक, तो इसको लगा हमारा बैग बहुत हैवी है, हम ऊपर नहीं जा पा रहे तो क्या हुआ। बैग पहुँचा देते भाई साहब, चलते एस्केलेटर में 25 लोगों के बीच में बैग फेंकते। देखो इट्स ए नॉर्मल सिचुएशन, बट अगर आप मुसलमान हो आपको मजाक नहीं, भीड़ में बैग नहीं फेंकना चाहिए। भाई साहब उसने बैग फेंका, वो लोग इधर वाले पे कूदने लगे। दिमाग उनमें भी नहीं, उनको लग रहा है यही वाला फटेगा। लीनियर बम बनाते हैं ये लोग। अजीब अजीब से गिफ्ट देती थी मेरे को। हाँ एक बार उसने मेरे को रिस्ट वॉच दी, तुम सोच रहे हो इसमें क्या ही अलग हो सकता है। लेफ्ट साइड में टाइम बताती थी वो, राइट साइड में बबल्स वाला गेम भी था। मैं गेम खेल रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं लगता टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। उसने मेरे को टी शर्ट दी, वो भी नहीं पहन पाया, चिड़ गई थी टी शर्ट को नहीं पहनते वाली। मैंने देख थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो, पर वो टी शर्ट मैं नहीं पहन पाऊँ कितनी, क्यों दिक्कत क्या। मैंने कहा यार उसमें 3 टेडी बियर बने, थैंक गॉड 2 टेडी बियर नहीं बने। और मैंने पहन के ट्राई किया था, मैं निकला हूँ लौंडे यहाँ घूर, यहाँ कुछ है नहीं पर कोई घूर है तो बहुत गंदा लगता है। मैं पापा से बात करूँ, मैंने कहा आप कुछ कह रहे थे, पापा वहीं देख, मैंने कहा बोल रहे थे आप कुछ वहीं देख। इनसिक्योरिटी में मैं बोल रहा हूँ डैड माय आईज आर हियर। मैंने कहा तू सच बता, तूने दिन में खरीदी थी ना टी शर्ट, कहती ये तुमको कैसे पता। मैंने कहा क्योंकि उन्हीं 3 टेडी बेयर्स में रात में लाइट चलती है। दोस्तों मैं 6 बजे पहन के निकला, 7 बजे मिथुन बन गया। मैं भागता हुआ आया, मुझे नहीं पता कहां से बंद होती। मैं घर में घुसा, मेरा बाप मेरा मजे ले रहा, हमारा लड़का जुगनू पकड़ के लाया। यहाँ पे लड़का लड़की को पता है क्या करना है, किस होता है पता है ना यहाँ पे। तो एक किस के लिए 3 महीने स्ट्रगल कराया उसने मेरे को। मैं इसके घर गया, ये किचन में चली गई, मैं सोफे पे बैठा था। मैं इतना रिजेक्ट हो चुका हूँ ऑलरेडी किस मांगने में, तो इस बार मैंने उसको मैसेज करा। उसमें लिखा था मुझे एक किस चाहिए। उसने मैसेज देखा, कहती अरे यार तुम यही चीजों में लगे रहते हो, बिल्कुल बोर हो रहे हो ना तुम, टीवी चालू कर दी। उसने लगा दिया डिस्कवरी। भाई इतना मूड खराब हुआ मेरा, क्योंकि उसमें शेयर वो कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा।
तीन शेर लेटे हुए उसके अंदर मस्ती करी, ये शेर इतने उदास क्यों है? मैंने कहा क्या करी, बताओ ना शेर इतने उदास क्यों है? मैंने कहा गालिब क्यों होंगे? फिर उसने ऐसी चीज लगाई जो हमारा इंटरेस्ट है, लड़कों की कमजोरी, क्रिकेट मैच। लड़के ना कितने भी बिजी हों, कहीं पे खड़े होकर नीदरलैंड कनाडा का मैच देख रहा हूँ, इसने लगाया इंडिया पाकिस्तान को। क्या मैच भाई साहब, मुझे लगा इसको समझ में आता है। एक सजेशन है, मैच उन्हीं के साथ देखा करो जिनको थोड़ा बहुत समझ में। मैंने देखना शुरू करा, फर्स्ट इनिंग सचिन तेंदुलकर बढ़िया मार रहा, मैं चीयर कर रहा हूँ, ये चीयर कर रहे। सेकेंड इनिंग आई, शाहिद अफरीदी मारने लगा, मैं चुप बैठा हूँ, ये चीयर कर। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ? कितनी इन पे नहीं करते क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करते, ये तो घर है, बाहर कर भी मत देना। यदि तुम्हें बड़ा आता तुम्हें बता दो क्या करना। मैंने कहा सिंपल सी बात है, उनकी ग्रीन जर्सी अपनी ब्लू जर्सी वाले अपने वाले, इनको जिताना है। कितनी सिंपल सी बात है, कितनी आ गया समझो मेरे को भाई। अगले साल वर्ल्ड कप आया, इसने इतनी श्रीलंकाएं जिताएंगे। भागती हुई कि हम जीत गए, हम जीत गए। मैंने कहा कैसे जीते? कहते मलिंगा ने क्या विकेट लिए? मैंने कहा धोनी ने मलिंगा खिला लिया। मैच में एक मोमेंट ऐसा आया, मेरा दिमाग खराब हुआ, बढ़िया से बैठे हुए थे, किसी ने आकर उमर अकमल को बोल्ड करा, उसका ऑफ स्टंप उखड़ के दूर फेंका गया। कहती पता है अब बस दो स्टंप्स बचे हैं फिर मैच खत्म। रिमोट उठा के टीवी बंद करी, पहला क्या करो, मैंने ये जीत दी। इसको लग रहा वो जो स्टंप उखड़ गया उसको लगाते ही नहीं, ऐसे तो मेरे कंसेप्ट ढला देगी। 6 महीने हॉकी देखा है मैंने उसके बाद। फाइनली बट मान गई थी वो, ऐसा नहीं है किसके लिए, और बहुत अच्छा लगता भाई। अंग्रेजों का शुक्रिया अदा करा मैं, उन्होंने ही सिखाया हमको ऐसे करो अच्छा लगता है। भाई वो हमें नहीं बताते ना आज भी हम गालों पे पप्पियां कर रहे होते। मैं इतना खुश, मुझे जो पहला अंग्रेज दिखा उसको थैंक यू बोल दिया, फेसबुक पे लिख रहा हूँ बिल गेट्स थैंक यू। लेकिन लड़कों के साथ एक दिक्कत, जब बहुत ज्यादा खुश है एक चुतियापा जरूर करते हैं। मैंने भी वही किया, 6-7 बजे किस हुआ, 8 बजे खुश, 9 बजे खुश, 11 बजे रात को उसको कॉल करा, कहती हेलो, मैंने कहा मुझे फीडबैक चाहिए। कहती किस चीज का? मैंने कहा किस हुआ था ना उसका। करीब फालतू बातें मत करो, मैं फोर्स करने लगा, लड़कियों को फोर्स नहीं करना चाहिए। मैंने कहा फीडबैक चाहिए, बताओ जल्दी। उसने सच बोल दिया। कहती पहले जैसी बात नहीं है, ऐसे अंदर तक रूह कांप गई मेरी, क्योंकि मेरा पहला ही था। बुरा लगता है ना जब तुमको पता चलता है ये तो मेरा पहला प्यार है पर मैं इसका पहला प्यार नहीं हूं, ये जो मेरा चांद है इसका नील आर्मस्ट्रांग में नहीं। ये थोड़ा डीप जोक, थोड़ी देर बाद आएगा समझ। कुछ लड़के समझने ही नहीं चाह रहे, यही सब बुलाने तो आए थे। लेकिन एक चूतिया बॉयफ्रेंड रात को 2 बजे अपनी गर्लफ्रेंड की गोद में सर रख के जरूर पूछेगा, बेबी हूं ना मैं नील आर्मस्ट्रांग। तुम ना डेविड स्कॉट हो, ये कौन से नंबर पे आता है? गूगल कर लो ना यार। अच्छा एक चीज होती है, जब तुमको पता चल जाता है कि इसका कोई था पहले या कोई रिलेशनशिप में थी, तो तुम ना ऐसे इनसिक्योरिटी से आ जाती लाइफ में। तुम्हें ऐसा लगता है कि पहले जब बिजी आ रहा था फोन तो उसके पापा मम्मी होंगे, अब लग रहा वही कमीना है। तो मैं बता रहा हूं कभी भी इतने इनसिक्योर हो भाई, एक चीज चूज करना, या तो उससे प्यार करना है या शक करना है। प्यार करो तो शक मत करना, शक करो तो प्यार मत करना। तो दोस्तों मैं तो करता था शक। लॉजिक अच्छा है, मैं घटिया हूं। मेरा शक दूर करने के लिए इस लड़की ने अपना दिमाग लगाया।
और मेरी इसकी और इसके एक्स की कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करते हो। कहती क्लियर कर लो तुम खुद। देखो दोस्तों मैं कितना ही घटिया आदमी हूं लेकिन पहली बातचीत में किसी से भी लड़ नहीं सकता मैं। तो शुरू में उसके एक्स से मैंने नॉर्मल बातचीत करी कि आपने कहां से इंजीनियरिंग करी भाई। बढ़िया यार, सही कॉलेज मिल गया भाई आपको। ये सब बातें चल रही, इसने अनम्यूट करा खुद को, कह रही सुनो पूरा दिन नहीं है मेरे पास, मुद्दे की बात करो जल्दी, क्या दिक्कत थी तुमको। फिर हमने 10 मिनट और बात करी भाई, लड़का सही था बिल्कुल, दोस्त दिखा मुझे उसके अंदर, हमने गहरी दोस्ती कर ली। 10 मिनट बाद हम सैक्रिफाइस पे उतर आए, मैं कह रहा हूं भाई आप बहुत सही आदमी हो, इसको आप ही ले लो। वो भी दोस्ती निभा रहा है, कह रहा हसीब भाई कैसी बातें कर रहा है, मेरे साथ 1 साल थी रखो। इसने अनम्यूट करके गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी, कहती मैं चूतिया हूं बीच में, ये ले लो वो ले लो, क्या चल रहा है। मैंने उसको म्यूट करा, मैंने कहा भैया एमबीए कहां से करना आपको। देखो इसके बाद ब्रेकअप होना तो तय है, इसने मेरे को बुलाया पार्क में मिलने के लिए और हमारी बहुत दिनों से बात अच्छी चल नहीं रही थी, तो इसने बोला अपन मिलते हैं क्लियर कर लेते हैं। और मैं भाई फुल रेडी, क्योंकि हर आशिक के अंदर एक शाहरुख खान होता है, उसको लगता है ये डायलॉग मारूंगा मेरी बंदी है मान जाएगी। मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने डायलॉग रिहर्स करे, मैं आया पार्क के बाहर एक फूल की दुकान थी, मैंने गुलाब खरीद लिया, जैसे ही मान जाएगी इसको दे दूंगा। वो लंबी डंडी वाला गुलाब मैंने शर्ट के पीछे खुसा लिया, मैं गया हूं भाई बैठा हूं, अब मुझे रियलाइज हो रहा कांटे चुभ रहे हैं पर मैं बैठा हूं, ये आके बैठ गई। मैं कुछ बोलने वाला था उससे पहले, कहती मैं बोलूंगी पहले तुम बाद में बोलना। मैंने सोचा भाई मेरे को डायलॉग याद है बाद में बोल लूंगा। इसने फोन निकाला बैग में से, उसमें फेसबुक ओपन करी, एक चैट ओपन करी, एक लड़के का मैसेज आया हो तो आहद नाम का, कहती इस लड़के ने मेरे को प्रपोज किया 4 दिन पहले। मैंने कहा ठीक है तो मना कर दो, जवाब ही नहीं आ रहा। 5 सेकंड हुआ, 6 सेकंड हुआ, गुलाब की डंडी और अंदर जाने लगी। अब मैं निकाल भी नहीं सकता। कहती नहीं मैं भी यस बोलने वाली हूं इसको, क्योंकि मुझे भी लड़का पसंद है। मैंने कहा तो घर से करके आना था मेरे सामने सब क्यों। कहती क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर कोई होप ना हो आगे के लिए, इसलिए तुम्हारे सामने यस बोल रही। देखो दोस्तों सामने ब्रेकअप हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फोन पे बचा लेता हूं क्योंकि फोन पे रो देता हूं मैं। और फोन पे रोना बहुत आसान है, जितने भी लड़के रो नहीं पाते एक फॉर्मूला है रोने का। आपको लड़की को जो भी बोलना है रोकने के लिए पूरा सेंटेंस बोलो, आखिरी के 2 वर्ड्स बोलने से पहले रुक जाओ और गहरी गहरी सांसें लेने लगो। फोन पे रोना ही लगता है, जैसे तुमको बोलना प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना, सेम सेंटेंस रोते हुए फोन पे, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ मैं तुम्हारे बिना। प्रैक्टिस से आ जाएगा। एक बार में इतना सही रोया, लड़की रो दी उधर से, कह रही इतना प्यार करता हूं मुझसे। उस दिन मुझे पता चला कितना नीच हूं मैं भाई, लेकिन सामने नहीं कर सकता पकड़ा जाऊंगा। सामने अगर मैंने रो दिया तो एक ब्रेकअप और करेगी वो। तो मैंने कह दिया ठीक है अब रो तो सकते हैं, नहीं यस बोल दो। कमी नहीं ने यस कर भी दिया, इतना खाली लड़का था वो, फट से सीन कर लिया उसने, लगा वहां से मैसेज भेजने, आई लव यू टू, थैंक यू सो मच, फलाना ढिमकाना। मैं उसकी चैट देख रहा हूँ, मैंने कहा नॉस्टैल्जिया, ऐसा लग रहा 6 महीने पहले वाला मैं ही मैसेज कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है होगा अब जो भी है, मैंने कहा रखो हटाओ उसको अलग, मुझे बस इतना बताओ मेरे से ब्रेकअप क्यों करा। क्योंकि दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ वजह, अगली रिलेशनशिप में सेम वजह से रिजेक्ट नहीं होना चाहता मैं, ब्रेकअप दूसरा हो तो वजह भी दूसरी होनी चाहिए। कहने लगी मैं तुमको बता दूंगी तुमको बुरा लगेगा,
मैंने कहा तूने जो भी किया है ना इससे कम ही लगेगा। कहती यार तुम ना मैच्योर नहीं हो बिल्कुल, 19 साल की उम्र है, तुम्हारी हरकतें 14 साल के लड़कों की। कहती है कि हमने फेसबुक आईडी एक्सचेंज करी थी याद है, और अभी तो पॉसिबल नहीं है पर पहले कर लेते थे फेसबुक आईडी, 2014 की बात है, अभी अगर पॉसिबल हो भाई कर पाना, तुम्हें पता चलेगा समाज की रियलिटी। मैंने उसकी आईडी खोली, मुझे इतनी इनसिक्योरिटी हुई क्योंकि मेरे ही दोस्त डीएम में पड़े हुए थे जिसको मैं अपना सबसे खास दोस्त मानता था, उसका लास्ट मैसेज आया हुआ ये लड़का ठीक नहीं है। सांप पाल रखे हमने भाई। भाई मैंने उसकी आईडी खोली, मुझे इनसिक्योरिटी, उसने मेरी आईडी खोली, उसको हंसी आ गई। खेती तुमसे कोई बात नहीं करता, छह लड़कियों के फोटो के नीचे हे डियर नाइस पिक, खेरी लो बदल लो पासवर्ड, आई ट्रस्ट यू। खेती जब हमने आईडी से एक्सचेंज करी थी, मैंने तुम्हारी आईडी तुरंत वापस कर दी, तुम मेरी ही आईडी चलाते रहते थे। अब यार देखो मेरी आईडी में तो मैसेज आते नहीं थे, जहां आ रहा है वहीं बात करूंगा ना मैं, लगाऊ मैं। कहने लगी जब हमने आईडी से एक्सचेंज करी, तुमने मेरे सारे ब्लॉक लड़के अनब्लॉक कर दिए और ढाई ढाई बजे रात तक बात कर रहा हूं उनसे। तुम रिसेंटली तुमने एक लड़के को मेरा झूठा बर्थडे बता के केक मंगवा लिया। मैंने कहा इस पे ब्रेकअप कर ली, कह रही नहीं नहीं इस पे भी नहीं करा, तुमने एक सबसे गंदा चुतिया पापी करा। मैंने कहा फट से बता दे मेरे को। कहती एक लड़का था मेरे को साइको टाइप का लगता था, मैंने उसको ब्लॉक करके रखा हुआ था, तुमने उसको अनब्लॉक करा कोई दिक्कत नहीं, वो वहां से मैसेज कर रहा इग्नोर कर दो ना, तुम मेरी आईडी से गालियां दे रहा हो उसको। वो लिख रहा है हम तो आपसे दोस्ती करना चाहते थे, आपने हमें क्यों ब्लॉक किया, तुम लिख रहा हो लोड़ू तू है इसी लायक। उसी टाइम मुझे रियलाइज हुआ कितना घटिया आदमी हूं मैं, ब्रेकअप डिजर्व करता हूं। जरूरी थोड़ी लड़की ब्रेकअप कर रही बुरा ही हो रहा है मेरे साथ, वजह बता दी उसने, पर भाई बुरा बहुत लगता है, खास तौर पे अगर आपकी पहली रिलेशनशिप हो तो डील नहीं होता, क्योंकि पहली रिलेशनशिप में आप इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। मैं सच बता रहा हूँ, उससे दो दो घंटे कॉल पे बात करता था और कॉल कटने के बाद उसी दो घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनता था। मैं दोस्तों के पास गया, मैंने कहा भाई ब्रेकअप हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कहता भाई दारू पी लो और क्या। तुम लोगों को ये समझना होगा कि जो दारू पीने वाला सॉल्यूशन है ये हर रिलीजन में अप्लाई नहीं होता। मुसलमान लोगों को ब्रेकअप डबल हिट करता है, बुरा लग रहा है, दारू पी नहीं पा रहा है, कितनी शिकंजी पिएगा आदमी। समझ भी नहीं आ रहा, तो तुम बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हो तुम उल्टी सीधी बातें ही करते हो। जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता बहुत ज्यादा प्यार में, उससे कह रहा है यार पता है प्यार से किट्टू बुलाती थी मुझे। दोस्त कह रहा है क्या बुलाती थी। किट्टू तू हमको क्यों नहीं बताया ना, अब तुझे जीवन भर बुलाएंगे। तुम अभी भी रो रहा हो यार प्यार से किट्टू बुलाती थी। आईडीज तो चेक करते रहते हो ना तुम उसके बॉयफ्रेंड की। मेरा दिमाग खराब हुआ उस दिन, मेरा दिल सा टूट गया जब मैंने उसके नए बॉयफ्रेंड अहद की आईडी का यूजर नेम चेंज होते हुए देखा। वो यूजर नेम चेंज हुआ अहद _ किट्टू। मैंने कहा वो नाम नहीं था वो पोस्ट थी। मिल गई उसको रिसेंटली, अभी उसकी शादी हो गई कुछ दिनों पहले और गया था मैं। बढ़िया, मैंने देखा कि मेरे से भी ज्यादा चार लड़के उदास घूम रहे थे। मैं उनको संभालू, होता है भाई होता है, कोई बात है, एज अ सीनियर समझाया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी है। खुशी इस बात की हुई कि शादी में दूल्हा अहद नहीं था। खैर शादी हो गई उसकी, और फिर मैं फिर भी स्टेटस चेक करता रहता हूँ। लड़कियां शादी के बाद एक घटिया स्टेटस डालती हैं, बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो एक ही है तो बेस्ट ही होगा ना, किससे कंपेयर कर रही हो तुम? बेस्ट वर्स्ट वही है, तुम कैसे बोल सकती हो बेस्ट हबी?
मैं बोल सकता हूँ बेस्ट वाइफ। जिन लोगों को ये जोक समझ में नहीं आया, देयर आर सम हिडन बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए मुस्लिम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, एंड वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा जोक कौन सा लगा है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मेरा सोलो शो अटेंड करना, जिसमें मैं 60 मिनट से भी ज़्यादा नए जोक्स करता हूँ जो इंटरनेट पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, आपके लिए खुशखबरी है कि मैं अपना इंडिया टूर कर रहा हूँ, जिसकी डिटेल्स अगली स्लाइड में है। आपके शहर में कब और कहाँ शो होगा वो सारी वहाँ पे अवेलेबल है। शोज़ की टिकट लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एंड अगर आपको कोई भी शो या बिजनेस क्वेरी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या मेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, मकसद नहीं भूलना है।